रहते हैं जो भी दो चार हैं, और बाकी जो बचे हुए हैं उनका मैं आपको दिखा देता हूँ एड्रेस। अच्छा तो अच्छा, हमने किस सीक्वेंस में पढ़ाई की है अभी? हमने एक दफ़ा में पढ़ा एरे और फॉर लूप। अच्छा, उसके बाद एरे के अभी मेथड्स हम पढ़ रहे हैं, और फिर उसके बाद हम मूव कर जाएंगे अगले चैप्टर्स पे जो कि डेट वगैरह से मुताल्लिक है। अच्छा, यहाँ तो ये मेथड तो नहीं बता रहा। हाँ, यहाँ पे इसने ये पहला मेथड जो है ना एरे का डिस्कस किया है, पुश और पॉप। अच्छा, पुश हम देख चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन एक दफ़ा और ज़रा देख लेते हैं। तो हम चलते हैं जी MDN और पुश। ये जी हमारे पास ना डॉक्यूमेंट आ गया जहाँ पे एरे के तमाम मेथड्स जो है ना डिस्कस हुए हैं। अच्छा, लाइट्स का एक्सपर्ट कौन है? ज़रा एक यहाँ पे एक बंद जरूरी है वाली ना, इस तरफ वाली ऑन कर दो, इस तरफ वाली बंद कर दो। आता है किसी को? यहाँ पीछे बैठा था। और यहाँ से शायद ये वाली है, ज़रा देख चेक करो उसको। यहाँ पे इन इनका ना इन दोनों का बटन कहीं होगा, ये जो दोनों लगे हुए। हाँ बेटर है, वो वाला दोनों भी लगा दो। ये दो लगे हुए ना, ये दोनों तीनों इनका होगा कहीं बटन यहाँ पे। चलो गुड इनफ लाइटिंग है। अच्छा जी, तो ये आप देखें एरे के ना तमाम मेथड यहाँ पे ये लिखे हुए हैं, डॉट एट, कॉनकैट, कॉपी विद इन, एंट्रीज, एवरी, फिल, फिल्टर, फाइंड, इतने सारे यहाँ पे एरे के मेथड्स लिखे हुए हैं। बुक में सारे मेथड डिस्कस नहीं हुए, यहाँ पे भी हम सारे मेथड डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि टाइम कम है यहाँ पे, और ये मेथड्स काफ़ी सारे हैं। ठीक है, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर वन है ना वो बुक में भी बताया हुआ है, यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। बाकी जो सारे मेथड्स हैं वो अपने खुद से जाके देखने, एक्सप्लोर करने, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना मैं आपको सिखा दूँगा। तो इन्होंने कहा है कि द पुश मेथड एड्स वन और मोर एलिमेंट एट द एंड ऑफ एन एरे एंड रिटर्न द न्यू लेंथ ऑफ द एरे। ठीक है, तो ये तो हमें पता था कि पुश से क्या होता है, लास्ट में एक आइटम, एक एलिमेंट ऐड हो जाता है, लेकिन वो कह रहा है कि रिटर्न भी करता है ये उस एरे की जो नई लेंथ है, यानी ऐड होने के बाद अब उसकी क्या लेंथ हो चुकी है वो रिटर्न करता है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये एक एरे है एनिमल्स के नाम से, एनिमल्स डॉट पुश करके एक नया आइटम इसमें, एक नया एलिमेंट इसमें ऐड किया गया है। तो ये इतना पूरा स्टेटमेंट जो है ये क्या रिटर्न करेगा? एक नंबर रिटर्न करेगा, और वो नंबर क्या होगा? नई लेंथ होगी। क्या है नई लेंथ इसकी? इसकी लेंथ अभी इस लाइन में क्या है? 3 है। तो ये ऐड होने के बाद क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, जैसा कि इसने कहा है कि न्यू लेंथ ये ऐड करेगा, ठीक है, पुरानी वाली नहीं। अच्छा, अब इसमें और तो मेरा ख्याल है कोई चीज़ नहीं है ऐसी स्पेशल। अच्छा, ये इसका सिंटैक्स बताया इसने कि पुश के अंदर ना एक एलिमेंट भी दे सकते हैं और कॉमा कॉमा डाल के एक से ज़्यादा भी दे सकते हैं, और इसकी कोई लिमिट नहीं है, nth एलिमेंट दे सकते हैं, मतलब 6 दे दें, 8 दे दें, कॉमा डाल के हम जितने चाहे एलिमेंट्स दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पैरामीटर्स आ गए, एलिमेंट्स होंगे वो, और रिटर्न वैल्यू इसने दोबारा से डिस्कस कर लिया यहाँ पे, दैट्स इट। तो ये पुश का जो मेथड था हमारा ये कवर हो गया। अब पुश के फौरन बाद जो है एक पॉप का मेथड है, जो हमेशा पुश और पॉप साथ साथ ही लिखे हुए आते हैं। अच्छा जी, तो इसने यहाँ पे क्या कहा कि द पॉप मेथड रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे, जो वो ऐड करता है ये रिमूव करता है अपोजिट है, एंड रिटर्न दैट एलिमेंट। अब ये लेंथ नहीं रिटर्न कर रहा है, ये जो एलिमेंट रिमूव हुआ है इस पॉप की वजह से वो एलिमेंट पूरा का पूरा रिटर्न करता है। दिस मेथड चेंजेस द लेंथ ऑफ एन एरे। ठीक है, ऑब्वियसली ये चेंज करता है लेंथ एरे की, तो बट ये क्या करता है, वो पूरा का पूरा एलिमेंट रिटर्न करता है जो पॉप हुआ है। अच्छा, ऐसा इस वजह से है शायद कि पुश के अंदर तो एक से ज़्यादा एलिमेंट भी दे सकते हैं आप,
लेकिन पॉप हमेशा एक ही एलिमेंट को रिमूव करता है, एक से ज़्यादा रिमूव नहीं करता ये। अच्छा, जैसा कि एक प्लांट्स के नाम से एरे है यहाँ पे, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स मौजूद हैं। अच्छा, तो इसने क्या किया, प्लांट्स डॉट पॉप करके मेथड कॉल किया। अच्छा, अब ये प्लांट डॉट पॉप जो इतना पार्ट है जो मैंने इस वक्त सेलेक्ट किया भाई, ये क्या रिटर्न करेगा, जो आइटम रिमूव हुआ है वो रिटर्न करेगा। तो ये डॉट पॉप ना सिर्फ ये टोमेटो को रिमूव यहाँ से कर देगा बल्कि यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो कॉन्सोल में क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट है कि टोमेटो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए, ये इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट है। ठीक है, तो पॉप का मेथड समझ में आ गया, मुश्किल तो नहीं है, आसान है बिल्कुल। अच्छा, अब नीचे देख लेते हैं, सिंटैक्स जस्ट इसका सिंपल है, पॉप कोई पैरामीटर इसमें नहीं दे सकते आप, और रिटर्न वैल्यू इसकी क्या होगी, अगर तो कोई एरे रिमूव हुआ है तो वो वैल्यू होगी, अगर जस्ट इन केस एरे अगर एम्प्टी है पहले से तो अनडिफाइंड रिटर्न होगा। ठीक है जी, कुछ डिस्क्रिप्शन में नीचे बातें लिखी भी हैं, तो इसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं बाद में, लेकिन मोर और लेस वो कंप्लीट हो चुका है हमारा ये पॉप। अच्छा, अब आ जाते हैं हम बुक में वापस। के मज़ीद अब कौन से हैं, अच्छा शिफ्ट और अनशिफ्ट इसके अंदर डिस्कस हुआ है, हम ये भी देख चुके थे कि शिफ्ट और अनशिफ्ट क्या काम करता है। शिफ्ट क्या करता है, स्टार्टिंग से वही सेम काम करते हैं ये शिफ्ट और अनशिफ्ट जो पुश और पॉप आखिर में कर रहे होते हैं। ठीक है, तो शिफ्ट और अनशिफ्ट में सेम काम शुरू वाले में से हो रहा है, लेकिन हम इस शिफ्ट में से अब ज़रा ये देख लेते हैं चल के कि ये क्या रिटर्न करता है। ठीक है जी, ये शिफ्ट का मेथड आ गया हमारे पास। अच्छा, द शिफ्ट मेथड रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे एंड रिटर्न द रिमूव्ड एलिमेंट। अच्छा, जो रिमूव शुरू से कर रहा है वो भी क्या कर रहा है, रिमूव हुआ हुआ एलिमेंट ही रिटर्न कर रहा है। ठीक है जी, और यहाँ पे भी सिंटैक्स में इसने कहा कि जी अगर पहले से एम्प्टी होगा तो अनडिफाइन होगा। अच्छा, अनशिफ्ट पे चलते हैं, अब ये अनशिफ्ट ये आ गया, अनशिफ्ट एड वन और मोर एलिमेंट एट द बिगेनिंग, सही है, और रिटर्न करता है न्यू लेंथ। तो सेम चीज़ ये पुश जो लास्ट में करता है, सेम वही फिनोमेना। ठीक है जी, इसका सिंटैक्स भी इसी तरह है कि एलिमेंट 1, 2 या 3 जितने चाहें दे सकते हैं। ठीक है जी, रिटर्न वैल्यू इसकी क्या है, न्यू लेंथ। अच्छा जी, अब इसके बाद है स्प्लाइस। स्प्लाइस भी हम थोड़ा सा डिस्कस की, मुझे लग रहा है ये चैप्टर हम पूरा पढ़ चुके हैं एक दफ़ा शायद, यहाँ ये चैप्टर पढ़ चुके हैं ना क्लास में। अच्छा, पहले तो स्प्लाइस क्या करता है, आ जाते हैं स्प्लाइस का मेथड देख लेते हैं। स्प्लाइस के बारे में उन्होंने लिखा है कि द स्प्लाइस मेथड चेंजेस द कंटेंट ऑफ एन एरे बाय रिमूविंग और रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स एंड और एडिंग न्यू एलिमेंट्स। अब यहाँ पे जुमला इसने बड़ा अच्छे से अरेंज किया है लफ्ज़ों को कि स्प्लाइस मेथड जो है वो कंटेंट को चेंज करता है। अच्छा, लेकिन क्या क्या करता है वो, रिमूविंग और रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स, या तो रिमूव करेगा या तो रिप्लेस करेगा एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को। अच्छा, फिर साथ में लगाया हुआ एंड और, एक तो रिमूविंग और रिप्लेसिंग है, साथ में एडिंग न्यू एलिमेंट्स भी है। लेकिन यहाँ पे एंड और का मतलब क्या है कि एक सेम टाइम पे कभी कभी ये होगा कि रिमूविंग रिप्लेसिंग भी हो रहा होगा और एड न्यू एलिमेंट भी हो रहा होगा समटाइम। लेकिन समटाइम क्या होगा, सिर्फ रिमूविंग और रिप्लेसिंग हो रहा होगा, समटाइम सिर्फ न्यू एलिमेंट्स ऐड हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये कोई भी कॉम्बिनेशन इसका बन सकता है। तो ठीक है जी, टू एक्सेस द पार्ट ऑफ एनी एरे विदाउट मॉडिफाइंग इट, सी स्लाइस। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरे मेथड का इसने रेफरेंस दिया हुआ है कि अगर आप चाहते हैं ना कि इसको मॉडिफाई किए बगैर अगर एरे को आप एक्सेस कर लें तो वो स्लाइस है, वो थोड़ी देर में हम देखते हैं। अच्छा, पहले तो इसने कहा कि मंथ्स के नाम से एक एरे बना हुआ है, जनवरी, मार्च, अप्रैल और जून, सही है, इसमें बीच में एक मंथ मिसिंग है, जनवरी के बाद फरवरी आता है, फिर मार्च आता है, फिर अप्रैल और फिर मई भी इसमें मिसिंग है, फिर जून है। तो इसमें फरवरी और मई इसके अंदर जो आपने डालना है उसके लिए स्प्लाइस का मेथड इस्तेमाल किया जा सकता है।
अच्छा तो क्या हमने करना है एक्चुअली, हमने ये करना है कि पहला एलिमेंट छोड़ के जो सेकंड एलिमेंट है यानी सेकंड एलिमेंट की जो जगह है उस जगह पे मुझे फेब्रुअरी लिखना है। तो इन्होंने यहाँ पे कुछ स्प्लाइस कॉल किया है और स्प्लाइस कॉल करके इसमें 1,0 लिखा है और साथ में फेब्रुअरी लिख दिया और इससे ये काम हो गया। अब ये 1 और 0 क्या चीज़ है ये हम अभी नीचे चल के देखते हैं। 1 जो है वो ये है, 0 जो है वो ये है और उसके बाद 1, 2, 3 जितने आइटम देना चाहे वो दे सकते हैं। अच्छा तो सबसे पहला वाला जो स्टार्ट है कि स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है। तो इसने क्या बोला है, इसने कहा कि 1 से स्टार्ट करना है, 0 को छोड़ दिया इसने। इसने कहा कि 0 को छोड़ो और इंडेक्स नंबर 1 पे चले जाओ। अच्छा और ये सेकंड जो नंबर है ये है कि कितने आइटम यहाँ से डिलीट करना है। इसने ये लिखा है कि कितने आइटम, तो 0 आइटम डिलीट करने का मतलब है कि कोई भी चीज़ डिलीट नहीं की जाएगी यहाँ से। अच्छा तो 1 इंडेक्स के ऊपर ये इस वक्त खड़ा हुआ है यहाँ, ठीक है। 1 इंडेक्स के ऊपर इस वक्त ये खड़ा हुआ है यहाँ पे, 0 आइटम इसमें से डिलीट करने हैं और उसके बाद कितने आइटम ऐड करने हैं ना वो उसके बाद लास्ट में कॉमा देके अब जितने भी आइटम ऐड करने हैं वो मैं दे दूंगा, ठीक है। वो पुश और शिफ्ट को समझ लें आप, एक साथ मिला दिया, ठीक है। पुश पॉप शिफ्ट और अनशिफ्ट ये चारों मेथड से जो काम होता है ना वो इस एक से भी हो सकता है, समटाइम कॉम्प्लेक्स, क्योंकि शिफ्ट अनशिफ्ट शुरू में करेगा, पॉप और पुश जो है वो लास्ट में करेगा, अगर दरमियान में करना पड़ेगा तो उसके लिए ये वाला मेथड है, ठीक है। तो परफेक्ट जगह पे बुक में इसको डिस्कस किया गया, तो पहले पुश पॉप अनशिफ्ट पढ़ाया उसके बाद ये पढ़ा दिया। अच्छा तो जब यहाँ पे मैं बोलूँगा ना कि फेब्रवरी को यहाँ पे ऐड कर दो तो ये क्या करेगा, इंडेक्स नंबर 1 को ना धक्का मारेगा आगे और उस जगह पे वो लेके आ जाएगा जो भी आइटम मैंने ऐड करवाए होंगे। अच्छा तो नतीजा जब निकलेगा वो कुछ इस तरह का मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा कि फेब्रवरी एग्जैक्टली इस जगह पे ऐड हो जाएगा। अच्छा अब सेकेंडरी देखो इसने क्या काम किया कि मंथ के ऊपर स्प्लाइस कॉल किया है और इसने कहा है कि इंडेक्स नंबर 4 पे चले जाओ। इंडेक्स नंबर 4 का मतलब क्या है, अब ये है ना हमारा करंट एरे, अब ये है हमारा, सही है, ये ऊपर वाले में तो मॉडिफिकेशन हो गई, अब ये हमारा एरे है। तो इसका मतलब है कि 0, 1, 2, 3 और ये 4, फोर्थ इंडेक्स पे चले जाओ, ठीक है। और सेकंड एलिमेंट लिखा है इसने, सेकंड पैरामीटर लिखा है 1, कि एक आइटम वहाँ से रिमूव कर दो। तो यहाँ पे ये खड़ा है ना, एक ही आइटम है, इसको रिमूव कर देगा ये। अच्छा और क्या करो उसके बाद, कॉमा डाल के इसने लिख दिया मे, कि नया एक एलिमेंट ये वाला ऐड कर दो, तो जून रिमूव हो गया उसकी जगह पे मे आ गया, ठीक है। ठीक है तो इसका कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, आप एट द सेम टाइम रिमूविंग रिप्लेसिंग भी कर सकते हैं और नया एलिमेंट भी ऐड कर सकते हैं या फिर दोनों में से कोई एक भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा अब ये पैरामीटर जो है ना ये वाला स्टार्ट का जो पैरामीटर है, अब उसके बारे में ये मजीद कुछ बात कह रहा है कि जी ये 0 बेस इंडेक्स है, ठीक है। एट विच टू स्टार्ट चेंजिंग द एरे, ये स्टार्ट हम कौन सा वाला एलिमेंट दे रहे हैं, 0 बेस जो इंडेक्स होता है वो दे रहे हैं और वो वाला इंडेक्स दे रहे हैं जहाँ से एरे को चेंज करना शुरू करना है, ठीक है। अगर मैंने 0 दिया है तो इसका मतलब है कि पहले एलिमेंट से ही चेंज करना है उसको, लेकिन अगर मैंने दे दिया 1 तो इसका मतलब है कि 0 इंडेक्स को वो नहीं छेड़ेगा, 1 एन ऑनवर्ड्स के ऊपर वो कुछ ना कुछ करेगा। अच्छा नेगेटिव इंडेक्स काउंट बैक फ्रॉम द एंड ऑफ द एरे, ठीक है। अगर मैंने नेगेटिव 1 दिया है तो इसका मतलब है कि लास्ट वाले से एक इंडेक्स। अच्छा ये इसने क्या बोला है कि इफ स्टार्ट इज लेस देन माइनस एरे डॉट लेंथ 0 इज यूज्ड, ये इसने पता नहीं कोई मुश्किल बात लिखी है, किसी को समझ आई है बात, मुझे तो नहीं आई। अच्छा नो एलिमेंट विल बी डिलीटेड, अच्छा कह रहा है अगर स्टार्ट जो बड़ा हो जाएगा एरे की लेंथ से तो कोई एलिमेंट डिलीट भी नहीं होगा, कोई ऐड भी नहीं होगा, अच्छा नहीं ऐड होगा, एडिंग फंक्शन, ऐड एज मैनी एलिमेंट एज प्रोवाइडेड, कह रहे हैं कि अगर इस मिसाल के तौर पे एरे में 4 ही एलिमेंट थे लेकिन आपने दे दिया 6 स्टार्ट में तो वो रिमूव वाला कुछ काम नहीं करेगा लेकिन ऐड वाला काम कर जाएगा, ठीक है। इफ स्टार्ट इज ओमिटेड एंड स्प्लाइस इज कॉल्ड विथ नो आर्ग्यूमेंट नथिंग इज डिलीटेड दिस इज डिफर फ्रॉम द पासिंग अनडिफाइंड विच कन्वर्टेड टू 0,
अच्छा कह रहे हैं कि स्टार्ट अगर आपने वैसे ही कॉल कर दिया बगैर किसी पैरामीटर के तो उससे कुछ भी नहीं होगा, उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अच्छा ऑन अदर हैंड अगर आपने अनडिफाइंड डाल के उसमें उसको कॉल किया तो अनडिफाइंड को वो जीरो कंसिडर करेगा, ठीक है। कह रहा है अगर अनडिफाइंड आपने डाल दिया ना यहाँ पे स्टार्ट की जगह पे तो उसको ये जीरो काउंट कर लेता है। समटाइम क्या होता है कि स्टार्ट की जगह पे आप कोई वेरिएबल रखते हैं बट वो वेरिएबल पीछे से अनडिफाइन हो रहा होता है, ये समटाइम उसमें वैल्यू नहीं आ पाती किसी वजह से अनडिफाइन हो जाता है वो, तो वो उसको जीरो कंसिडर कर लेगा अनडिफाइंड को। लेकिन अगर बिल्कुल भी कुछ ना हो तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, जीरो इम्पैक्ट होगा उसका। अच्छा अब ये पूरा जो स्टेटमेंट है ये स्प्लाइस का, ये रिटर्न क्या करता है वो यहाँ लिखा है, एन एरे कंटेनिंग द डिलीटेड एलिमेंट्स, जो जितने भी आइटम डिलीट हुए हैं उनका एक एरे अलग से बना के ये दे देता है। इफ ओनली वन एलिमेंट इज रिमूव्ड द एरे ऑफ वन एलिमेंट इज रिटर्न, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपके पास 10 एलिमेंट्स का एक एरे था, उसमें से रिमूव आपने किया सिर्फ एक, तो एक एरे ऐसा रिटर्न होगा जिसमें एक ही इंडेक्स होगा और उसमें क्या होगा डिलीटेड आइटम्स। इफ नो एलिमेंट्स आर रिमूव्ड एन एम्प्टी एरे इज रिटर्न, अगर आपने सिर्फ ऐड किया है रिमूव कुछ नहीं किया या किसी भी वजह से रिमूव कुछ नहीं हुआ सिर्फ ऐड हुआ है तो वो फिर एम्प्टी एरे रिटर्न करेगा। तो ये हमेशा क्या करेगा डिलीटेड आइटम्स ही रिटर्न करना चाहेगा ये। अच्छा जी तो ये हमारे पास हो गया स्प्लाइस, ठीक है जी। स्प्लाइस बुक में भी इन्होंने अच्छे से डिस्कस किया है, बुक वाली बात भी पढ़िएगा अगर आपने किसी ने नहीं पढ़ी है बुक तो। अच्छा अब इसके बाद है एक मेथड है स्लाइस, ठीक है। अच्छा आपने नोट किया होगा कि अभी तक हमने जितने भी मेथड पढ़े हैं एरे के वो एरे को मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ स्लाइस जैसा कि इसको देखते हैं हम कि ये एरे को मॉडिफाई क्यों नहीं करता। द स्लाइस मेथड रिटर्न अ शैलो कॉपी ऑफ अ पोर्शन ऑफ एनी एरे इनटू अ न्यू एरे ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड नॉट इंक्लूडिंग वेयर स्टार्ट एंड एंड रिप्रेजेंट द इंडेक्स ऑफ, अच्छा नॉट इंक्लूडिंग एंड वाला नॉट इंक्लूडेड है। अभी हम इसको नीचे देखते हैं, ये इसने मुश्किल जुमला लिख दिया है यहाँ पे। अच्छा पहले तो हम इसको समझते हैं कि द स्लाइस मैथड रिटर्न अ शैलो कॉपी ऑफ पोर्शन ऑफ एनी एरे। अब कौन मुझे ये बताएगा कि शैलो कॉपी क्या होता है, हमने डिस्कस किया था ये कौन सी क्लास में डिस्कस किया था जब हम ये पढ़ रहे थे कि वेरिएबल मेमोरी में कैसे सेव होता है। हाँ एक था डीप कॉपी या डीप क्लोनिंग और एक था शैलो कॉपी। कौन मुझे डिफरेंस बताएगा जल्दी से कि शैलो कॉपी किस चीज़ को कहते हैं। शैलो कॉपी में ये होता है कि एक वेरिएबल से हम चीज़ कॉपी करके दूसरे वेरिएबल में तो ले जाते हैं लेकिन वो एक्चुअल में मेमोरी में वो चीज़ डुप्लीकेट नहीं होती है ना, हमने यही देखा था कि शैलो कॉपी यही होता है। अच्छा अभी हम इसको एक्सपीरियंस करके भी देख लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने स्लाइस के जरिए कॉपी किया है तो वो जो दूसरे को चेंज करेंगे तो पहला भी चेंज हो जाना चाहिए, तो इसको भी हम करके देखेंगे। दूसरा यह शैलो कॉपी का एक लिंक भी बनाया है, इसको भी ओपन करके देखते हैं कि ये शैलो कॉपी के बारे में क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। कहीं ऐसा तो नहीं है हमने कुछ और समझ लिया था, शैलो कॉपी कुछ और चीज़ होती है, तो वो हम यहाँ डेफिनेशन भी देख लेंगे। वेल तो इसने कहा कि द स्लाइस मेथड रिटर्न अ शैलो कॉपी ऑफ अ पोर्शन ऑफ एन एरे। अब ये एरे के पोर्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, पूरे एरे की बात नहीं कर रहा। ये कह रहा है कि ये शैलो कॉपी करेगा एरे के एक पोर्शन को, ठीक है, और किस में करेगा, एक न्यू एरे में करेगा, न्यू एरे ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। अच्छा जो अब एग्जिस्टिंग आपका एरे है ना, जैसे कि एनिमल्स के नाम से एक एरे बना हुआ है, इसमें 1 2 3 4 5 5 इसके अंदर एलिमेंट है। अच्छा तो अब इसमें से क्या करूँगा, मैं स्टार्ट से लेके एंड तक की एक बात सेलेक्ट करूँगा और उतना पोर्शन उठाएगा ये और उसको कॉपी कर देगा एक दूसरे, कॉपी क्या करेगा रिटर्न करेगा असल में। अच्छा
और इसके अंदर एंड जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर मैं जीरो से बोलता हूँ और मैं बोलता हूँ थ्री इंडेक्स, तो ये जीरो को पकड़ेगा, वन को पकड़ेगा, टू को पकड़ेगा, थ्री को ये छोड़ देगा, थ्री इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, फॉर अ वेरी गुड रीजन, जो भी हम देखते हैं क्या है वो रीजन। ठीक है जी, द ओरिजिनल एरे विल नॉट बी मॉडिफाइड, ओरिजिनल एरे में कोई मॉडिफिकेशन परफॉर्म नहीं होगी। ये क्या करेगा, उसमें से पोर्शन काटेगा और एक नए एरे में उसको हम डालेंगे। अच्छा, कोड इसका जरा गौर से देख लेते हैं हम क्या चक्कर है। कॉन्सोल डॉट लॉग में इसने लिखा है कि जी एनिमल्स डॉट स्लाइस और टू। अच्छा, इसने इस केस में सिर्फ स्टार्ट वाला नंबर लिखा है, एंड वाला नंबर नहीं लिखा है इसने। ठीक है, जब हम स्टार्ट वाला नंबर सिर्फ लिखते हैं, एंड वाला कोई नंबर नहीं लिखते, इसका मतलब होता है स्टार्ट करो लेकिन एंड नहीं करना, आखिर तक जाओ। तो आप नोट करें यहाँ पे कि जीरो इंडेक्स है और वन इंडेक्स है और ये टू इंडेक्स है। तो टू से इसने पकड़ना शुरू किया है कैमल से और लास्ट तक ये चला गया, क्योंकि सिर्फ स्टार्ट का इंडेक्स मिला था, एंड नहीं दिया गया था। अच्छा, दूसरे केस में अच्छा जो भी था वो आउटपुट कंसोल पे आ गया, क्योंकि कंसोल डॉट लॉग में लिखा है, अगर किसी वेरिएबल में लिखते तो उसमें चला जाता। अच्छा, एनिमल्स डॉट स्लाइस करके एक दफ़ा और लिखा है इसने, क्योंकि ओरिजिनल एरे तो चेंज हुआ नहीं है, तो जब जब स्लाइस करेंगे वो रिजल्ट मुझे देता रहेगा। अच्छा, टू से शुरू किया है और फोर पे ख़त्म किया है इसने। तो टू से शुरू करने का मतलब है कि जीरो, वन और टू, कैमल से शुरू किया है और फोर पे ख़त्म किया है इसने। ठीक है, तो इसका मतलब है टू को इंक्लूड करेगा, थ्री को इंक्लूड करेगा, फोर को नहीं करेगा, फोर को छोड़ देगा। ठीक है, अब फोर को छोड़ने का मतलब फोर को जो हम छोड़ रहे हैं उसका कोई बेनिफिट नजर आ रहा है? नहीं, मतलब जो एंड वाले को ये इंक्लूड नहीं करता है, आपको क्या लगता है कि मैंने कहा ना फॉर अ वेरी गुड रीजन, ये उसको आखिर वाले को इंक्लूड नहीं करता, तो कोई किसी को समझ आ रहा है वो क्या बेनिफिट हो सकता है? देखते हैं आगे। अच्छा, तो इसने डिफरेंट यहाँ पे एग्जांपल दिए जिसमें माइनस वाले भी कुछ एग्जांपल्स मौजूद हैं और बिल्कुल ही बगैर कोई पैरामीटर दिए भी इसने यहाँ पे इसको किया हुआ है। बगैर कोई पैरामीटर दिए जब इसने किया ना, तो इसने शुरू से आखिर तक सारे एलिमेंट कॉपी कर लिए। सही है। अच्छा, सिंटेक्स में इसने कहा कि भाई स्लाइस में बगैर पैरामीटर के भी चल जाता है, सिर्फ स्टार्ट और स्टार्ट और एंड, ये तीन तरीके से ये कॉल हो जाता है इसमें। ठीक है, यानी इसके तीन ओवरलोड्स हैं। सही, इसको हम ओवरलोड्स कहते हैं, जब एक ही फंक्शन होता है ना, पैरामीटर के साथ भी कॉल हो रहा है बगैर, तो इसको हम क्या कहते हैं, ओवरलोड्स कहते हैं। वैसे ओवरलोडिंग जावास्क्रिप्ट में होती नहीं है, ओवरलोडिंग एक फिनोमेना है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में फंक्शन पे ओवरलोडिंग नहीं होती है, लेकिन आप इसको समझ लें कि ये काइंड ऑफ वही चीज़ है। ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, एक फंक्शन आपने, अभी फंक्शन भी हमने कवर नहीं किया, फंक्शन पढ़ेंगे ना जब, तो इसको भी देख लेंगे। तो एक नाम से जब हम फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन इज़ अ काइंड ऑफ वेरिएबल, तो वो दूसरा फंक्शन सेम नाम से नहीं बना सकते। ठीक है, ओवरलोडिंग में क्या होता है, एक ही फंक्शन हम तीन दफ़ा बनाते हैं, अलग अलग पैरामीटर दे के बनाते हैं। ठीक है, वेल अभी फंक्शन पढ़ेंगे तो ये पैरामीटर और ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी डिटेल। अच्छा, तो स्टार्ट ऑप्शनल है, स्टार्ट जो जीरो बेस इंडेक्स होगा एट विच टू स्टार्ट द एक्सट्रैक्शन या स्टार्ट द कॉपी। अच्छा, अब ये बता रहा है कि भाई जीरो से छोटा हो या लेंथ से बड़ा हो तो यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, इसको देख लेना। अच्छा, एंड भी बता रहा है कि भाई जीरो बेस इंडेक्स होगा एट विच एक्सट्रैक्शन कन्वर्टेड टू एन इंटीजर। अच्छा, यहाँ पे भी इसने लिखा है कन्वर्टेड टू एन इंटीजर, इसका मतलब है स्टार्ट के अंदर अगर मैंने लिख दिया ना 1.5, तो वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेगा, 5 को हटा देगा। ठीक है, 0.5 को हटा देगा। तो ये एक यहाँ पे कन्वीनियंस रखा है इन्होंने कि जी अगर पॉइंट वाला नंबर भी गलती से आ जाए तो उसको कन्वर्ट कर लेता है इंटीजर में। ठीक है, नेगेटिव इंडेक्स काउंट बैक फ्रॉम द एंड ऑफ एरे। ठीक है, कि जी एंड में मैंने अगर बोला है ना कि -10 अगर बोला है, ठीक है, तो मतलब लास्ट से गिनते हुए आओ और 10 एलिमेंट छोड़ो, या -2 बोला है तो 2 इंडेक्स लास्ट वाले से।
ठीक है जी, रिटर्न वैल्यू इज की अ न्यू एरे कंटेनिंग द एक्सट्रैक्टेड एलिमेंट। ये पूरा स्टेटमेंट क्या रिटर्न करेगा, जो भी एरे इस वक्त कॉपी हुआ है वो पूरा का पूरा एरे रिटर्न करेगा। अच्छा अब जरा आके ना हम ये शैलो कॉपी को जरा देख लेते हैं कि ये क्या चीज है। अच्छा इसने कहा कि अ शैलो कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ कॉपी वोज प्रॉपर्टी शेयर द सेम रेफरेंसेस, ठीक है, एज दोज द सोर्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच द कॉपी वॉज मेड। ठीक है, रेफरेंसेस जैसा कि एक टर्मिनोलॉजी है, ये क्या बोलते हैं एरे, वो जो रैम, रैम के अंदर जो वो बिट्स और बाइट्स लगी हुई है ना, जो उसका एड्रेस जो होता है ना, ये उसको रेफरेंस कह रहे होते हैं काइंड ऑफ। तो इसने यहाँ पे वो सेम बात कर दी है कि जी ये शैलो कॉपी जो होता है ना, उसका वो जो रेफरेंस है वो शेयर करता है किससे, जो सोर्स के अंदर डेटा मौजूद है उससे शेयर करता है। अच्छा एज अ रिजल्ट when you change either the source or the copy you may also cause the other object to change too। ठीक है, अच्छा ये may also का मतलब है कि कुछ cases में वो नहीं भी होगा, कुछ cases में वो नहीं भी change होगा। वो may also इन्होंने यहाँ पर नीचे discuss किया होगा कि वो कौन सी situation होगी कि जब एक को change करेंगे तो दूसरा नहीं होगा। अच्छा जी, and so you may end up unintentionally causing changes to the source or copy that you don't expect, the behavior contrast with the behavior of deep copy which the source and copy are completely independent। ठीक है, कह रहा है इसका एक अपोजिट होता है डीप कॉपी, उस केस में क्या होता है कि इसके रेफरेंसेस बिल्कुल अलग अलग होते हैं, आपस में ये इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो ये सेम चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताइए कि शैलो कॉपी क्या चीज़ होता है। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एनिमल्स के ऊपर डॉट स्लाइस लगा के उसका कोई पार्ट मैं काट के लाता हूँ और उसको वेरिएबल में रखता हूँ एक दूसरे वेरिएबल में, तो क्या होगा, अगर सोर्स चेंज हुआ तो ये भी चेंज हो जाएगा और अगर कॉपी चेंज हुई तो सोर्स भी चेंज हो जाएगा। इसको एक्सपेरिमेंट करके देख लिया जाए, देख लेते हैं। अच्छा मैंने कहा जी लेट ए आर आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी। सही है, एक वेरिएबल बना दिया मैंने जिसके अंदर तीन इंडेक्सेस हैं। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ लेट कॉपी इक्वल्स टू ए आर आर डॉट स्लाइस, ए आर आर डॉट स्लाइस, और मैं कहता हूँ कि जी आप ना इसको पकड़ो वन इंडेक्स से पकड़ो और एंडिंग नहीं दे रहा मैं तो लास्ट तक ले जाएगा, यानी बी और सी को मैंने कॉपी कर लिया इधर। ठीक है जी, अब मैं कॉपी को चेक करता हूँ, कॉपी में क्या है, कॉपी में बी और सी आ गए। सही है, अब मैं अगर और ए आर आर को भी साथ में देख लेते हैं कि उसमें क्या है, ए आर आर में पूरा का पूरा एरे है और कॉपी के अंदर बी और सी है जस्ट। अब क्या होगा, मैं ए आर आर को जब चेंज करूँगा ना तो कॉपी में चेंज आ जाना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि भाई ए आर आर का जो इंडेक्स 3 है, ठीक है, सॉरी 0 1 2 जो है, जो 2 है उसके अंदर क्या रखवा दो, अब रखवा दो जेड। ठीक है, यानी ए आर आर जो था ना, सोर्स जो था उसको मैंने चेंज कर दिया, तो अब कॉपी में भी चेंज आ जाना चाहिए। नहीं आया, अब कॉपी में चेंज करते हैं, कॉपी का इंडेक्स 0 को मैंने कहा कि क्या कर दो आप, क्यू कर दो। अब ए आर आर को चेक करते हैं, ए आर आर में चेंज, अरे अच्छा ए आर आर में तो जेड वाला चेंज आया, तो ये नहीं चेंज आया भाई, ऐसा क्यों हुआ है, नहीं न्यू वेरिएबल में नहीं रखा, वो तो कह रहा था शैलो कॉपी होगा। वेल आई एम नॉट श्योर कि ये क्यों नहीं आया, लेकिन लिखा हुआ यहाँ पे कि भाई शैलो कॉपी होगा। अच्छा एक काम करते हैं, हम किसी दूसरे तरीके से इसको मॉडिफाई करते हैं एरे को,
ठीक है, वैसे तो इसी तरीके से मॉडिफाई किया था हमने लास्ट, तो वो शैलो कॉपी चल जाता था, इसी तरह चलता था। अच्छा हम इसको काम करते हैं किसी और तरीके से, हम चेंज करते हैं, सही है, इसको हमने ऐसा लगाया, लेट कॉपी इक्वल्स टू अच्छा इसको एंडिंग बता देते हैं, इस दफा एंडिंग इसकी बता देते हैं, इसको एंड को ये इंक्लूड नहीं करता ना, तो इसका मतलब है कि 0, 1, 2 और 3 मुझे बताना पड़ेगा, तो ये पूरा लास्ट तक पकड़ेगा। हाँ नहीं अभी फ़िलहाल 3 बताते हैं, फिलहाल इसको 3 बताते हैं, ठीक है। अच्छा भाई देखो ये लास्ट वाले को जो छोड़ता है ना उसका समझ लो रीज़न भी क्या है, उसका रीज़न ये है कि इमेजिन करो एरे में एक ही एलिमेंट है और मुझे बताना है कि 0 से शुरू करो लेकिन एंड कहाँ करो, 0 पे करो, नहीं मैं बोलूँगा एंड 1 पे करो, ठीक है, तो 1 को इंक्लूड नहीं करता तो 0 एक ही रहेगा। वैसे तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि 0 लिखूँ आगे कुछ ना लिखूँ तो वो 0 से उठाएगा एंड तक ले जाएगा, तो एक ही एलिमेंट है तो एक ही आ जाएगा, बट कहीं कुछ ना कुछ तो रखना था ना इसको, तो एंड के लिए अप्रोप्रिएट यही था कि वो लास्ट वाले एलिमेंट को छोड़ दें, तो इसलिए इन्होंने ऐसे रखा है, और जब एक एलिमेंट सिर्फ होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका बेनिफिट क्या है। अच्छा तो ये कॉपी भाई मैंने बना दिया इसका, और ये ARR और कॉपी ये दोनों यहाँ पर आ चुके हैं मेरे पास, ठीक है। मे बी ये मैंने लेट करके बनाया है, इसकी वजह से शायद कुछ कुछ इस तरह की चीज़ हो रही हो कि लेट, क्योंकि लेट वाला जो वेरिएबल है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है नॉर्मल जो वार करके ES5 में जो बनता था ना वार करके, उससे डिफरेंट होता है थोड़ा सा, लेकिन वो डिफरेंट जो है वो स्कोप को लेकर होता है, वो स्कोप को लेकर होता है, इस चीज़ में कोई ऐसी डिफरेंट चीज़ कहीं पे मेंशन नहीं देखी मैंने। अच्छा इसको इंडेक्स के अलावा भी किसी और तरीके से हमने चेंज करना है, स्प्लाइस है ना। अच्छा मैंने कहा कि जी पहले मैंने कॉपी में पहले चेंज किया था ना, इस बार मैं ARR में पहले चेंज करता हूँ, मैंने कहा ARR.splice। अच्छा पहले देना होता है इसको स्टार्ट, तो मैंने दे दिया भाई स्टार्ट इसका 1 इंडेक्स पे चले जाओ, ठीक है, यानी कि B पे चले जाओ, और B पे जाके क्या करो एक आइटम को रिमूव कर दो, सही है, और कॉमा डाल के मैंने वहाँ पे कहा कि एक आइटम ऐड कर दो जिसका नाम है कार, सही है। तो मैंने क्या किया ओरिजिनल सोर्स में मैं चेंज कर रहा हूँ इस बार। अच्छा अब ज़रा चेक करते हैं, सोर्स एरे ये आ गया और कॉपी एरे जो है वो ये आ गया, ठीक है जी। कॉपी एरे में अभी भी कोई चेंज नहीं आया, ऊपर कर दें ये लो ऊपर, वैसे कोई चेंज आया नहीं है, मैं इसीलिए बोल भी रहा हूँ ना साथ साथ, ताकि जिसको अगर प्रोजेक्टर थोड़ा बहुत नहीं दिख रहा तो उसको पता चल जाए, ठीक है। तो किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन स्टिल इसने जैसा कि वो शैलो कॉपी की डेफिनेशन में ही लिख दिया था कि मे ऑल्सो करके लिखा था इसने, ठीक है, तो यहाँ नीचे कहीं इन्होंने डिस्कस किया होगा कि यार कहाँ गया वो मे, यानी यू मे ऑल्सो कॉज द अदर ऑब्जेक्ट, इसने मे जो लिखा है ना कि हो सकता है, श्योरिटी से इसने बात नहीं कही है, तो ये मे बी का मतलब है कि कुछ सिचुएशन ऐसी होगी जिसमें वो नहीं भी चेंज होगा। अब लेकिन वो सिचुएशन यहाँ पे कहीं इन्होंने शायद डिस्कस की है या नहीं की, आई एम नॉट श्योर, यहाँ पे उन्होंने वो सिचुएशन शायद कहीं डिस्कस नहीं की है। की भी है, बताओ जरा कहाँ पे की है, असाइनिंग अ कम्प्लीटली न्यू वैल्यू टू द फर्स्ट एलिमेंट इंग्रेडिएंट्स लिस्ट कॉपी विल कॉज विल नॉट कॉज एनी चेंज टू द फर्स्ट एलिमेंट। अच्छा अच्छा बट हमने तो ये वाला काम किया ना अभी, चेंजिंग द वैल्यू ऑफ लिस्ट प्रॉपर्टी इंग्रेडिएंट लिस्ट विल ऑल्सो कॉज द लिस्ट प्रॉपर्टी टू चेंज। इसने कहा अब ये वो सिचुएशन बता रहा है ना कि इस सिचुएशन में दोनों में चेंज आ जाएगा, सोर्स में और कॉपी में, है ना। तो ये ज़रा इसको गौर से देखते हैं कि हमने कुछ क्या डिफरेंट कर दिया था क्या। अच्छा इंग्रेडिएंट लिस्ट कॉपी जो है इसका इंडेक्स 1 डॉट लिस्ट,
इसने जो डेटा पहले बनाया ना उसको देख लेते हैं, वो डेटा क्या बनाया है इसने। अच्छा, इसने जो डेटा बनाया ना वो एरे ऑफ स्ट्रिंग नहीं है, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि हम जो एरे बना रहे थे वो एरे ऑफ स्ट्रिंग था। इसने ना एरे ऑफ स्ट्रिंग भी रखा है उसमें, एरे में फिर एक ऑब्जेक्ट भी रखा है, फिर ऑब्जेक्ट के अंदर एक एरे भी रखा है, इस तरह करके इसने कहानी घुमाई है। तो जब हम ऑब्जेक्ट पढ़ लेंगे तो फिर ये एग्जाम्पल हमें ज़्यादा सही समझ में आएगी कि ये क्या चक्कर है। वेल, आपको इतना एटलीस्ट पता चल गया यहाँ पे कि जी स्प्लाइस जो है ना वो जो कॉपी बनाता है वो शैलो कॉपी होता है। तो सम टाइम चेंज आ जाएगा, सम टाइम चेंज नहीं आएगा, और जिस केस में चेंज आ जाएगा दोनों में, वो सिचुएशन ये वाली होगी कि वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट वगैरह की टाइप की चीज़ होगी ना जब होगा। अच्छा, अभी ऑब्जेक्ट को भी हमने ये थोड़ा सा डिस्कस करना है, जब हम अभी ऑब्जेक्ट हमारा अगला टॉपिक रहेगा, डेट और टाइम जब कर लेंगे फिर ऑब्जेक्ट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट डिस्कस करते हुए ना उसको भी थोड़ा सा देखेंगे हम कि मेमोरी में ये कैसे जाके सेव होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से सेव हो रहा होता है। अच्छा, और एक और मज़े की बात, जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे कोई चीज़ नहीं होती, एरे इंटरनली एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट कैसे सेव होता है मेमोरी में वो हमने अभी तक देखा नहीं है, ठीक है। एरे को भी हमने नहीं देखा कि वो कैसे सेव होता है, एरे और ऑब्जेक्ट असल में इंटरनली एक ही चीज़ है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग अगर किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बैकग्राउंड से आए हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे सी लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो उसमें एरे जो है वो काफ़ी फास्ट होता है, एरे की जो प्रोग्रामिंग होती है एरे को एक्सेस करना फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसा नहीं है, जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है। तो कोई भी अगर ये सोच रहा है कि अच्छा जी मैं एरे में प्रोग्रामिंग करूँगा तो वो फास्ट होगा, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। वो क्योंकि इंटरनली वो ऑब्जेक्ट है, और एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट और एरे, ऑब्जेक्ट थोड़ा स्लो होता है, एरे थोड़ा सा फास्ट होता है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट ने कभी भी ये क्लेम नहीं किया कि ये फास्टेस्ट लैंग्वेज है दुनिया की, ठीक है, नहीं है, ऑब्वियसली फास्टेस्ट लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। जो फास्ट जैसे सी लैंग्वेज है वो इससे ज़्यादा फास्ट है, इवन दो कि जावास्क्रिप्ट जो है ना ऑन द टॉप ऑफ सी लैंग्वेज बनी हुई है, यानी जावास्क्रिप्ट का कोड इंटरनली सी लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है पहले, चलने से पहले, और फिर सी लैंग्वेज का कोड चलता है, ठीक है। जब आप विकीपीडिया पर जाके देखेंगे ना जावास्क्रिप्ट का पेज जो है, तो वो उसमें आपको ये नज़र आ जाएगा कि जावास्क्रिप्ट ऑन द टॉप ऑफ सी लैंग्वेज बनी हुई है, और बल्कि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑन द टॉप ऑफ सी लैंग्वेज बनी हुई है, ठीक है। तो ये कन्वर्ट होता है पहले। अच्छा, जैसा कि आप पाइथन का अगर जिक्र करें, पाइथन जो है वो जावास्क्रिप्ट से भी ज़्यादा स्लो है, ठीक है, लेकिन वो एआई वगैरह में इस्तेमाल होता है, डेटा की क्लीनिंग में इस्तेमाल होता है, तो क्या कहते हैं, वसूलन तो उसको फास्ट होना चाहिए, कोई फास्ट किस्म की लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए उसमें, ठीक है। लेकिन वो स्लो होना उसका जो है, यानी जावास्क्रिप्ट से जो मैं कह रहा हूँ कि स्लो है, या जावास्क्रिप्ट जो है वो सी लैंग्वेज से स्लो है, उसका स्लो होना ना ये है कि भाई अगर एक का बेंचमार्क आ रहा है ना 10 लाख, तो एक का बेंचमार्क आएगा 9.5 लाख, इतना फ़र्क है, ठीक है। तो वो एक्चुअली बहुत माइनर सा फ़र्क है, जो एज अ प्रोग्रामर हमें फ़र्क नहीं पड़ता, और अब तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता, क्योंकि अब प्रोसेसर इतने फास्ट आ गए ना कि ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ये वाली चीज़ें अब हमें देखनी नहीं पड़ती, प्रोसेसर हमारे बहुत फास्ट हो गए हैं। ये जिस ज़माने में सी लैंग्वेज बनी थी उस ज़माने के जो प्रोसेसर्स होते थे वो 144 हर्ट्ज के प्रोसेसर होते थे या 500 मेगाहर्ट्ज के प्रोसेसर। मैंने खुद अपनी मतलब होश जब मैंने संभाला है तो मैंने 500 मेगाहर्ट्ज के प्रोसेसर देखे हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ये शायद 2004-5 की बात है, तो मैंने 500 मेगाहर्ट्ज के प्रोसेसर देखे हैं लिटरली, और उसको इंस्टॉल करके उसको लोगों मतलब चला के दिए, तो वो उस वक्त बहुत अच्छे प्रोसेसर काइंड ऑफ समझे जाते हैं, ठीक है। 128 MB की रैम मैंने खुद इस्तेमाल की है, तो उस ज़माने की बात थी कि जी सी लैंग, अच्छा सी लैंग्वेज तो आइए 80s में आइए, गालबन 85 में इस तरह को चाहिए, तो मैं 94 में पैदा हुआ हूँ, तो ये उस ज़माने के हिसाब से ना उन्होंने वो उसको फास्ट वास्ट बहुत बनाया था। तो लेकिन अब क्योंकि वो रैम वगैरह और प्रोसेसर वगैरह इतने हमारे हो गए ना कि अब वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टिल अभी भी जो, क्योंकि भाई हम बात कर रहे हैं वेरिएबल्स की ना,
तो एक वेरिएबल जो है, हमने जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर देखा कि एक वेरिएबल 64 बिट लेता है नंबर का जो वेरिएबल है, कि 64 बिट होगा जी उसका और वो फ्लोटिंग पॉइंट में नंबर को स्टोर करेगा। अब इसके अंदर हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने वेरिएबल बनाना है ना कोई, जिसमें बंदे की एज लेनी है, मैंने बंदे की एज ज़्यादा से ज़्यादा 100 होगी, 200 होगी, तो इसके लिए क्या मुझे 64 बिट रिजर्व करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। मुझे इसके लिए 8 बिट ही काफ़ी है, यानी कि एक बाइट भी अगर मिल जाए तो भी काफ़ी है। एक बाइट में 0 से लेकर 255 तक इंटीजर नंबर अगर आ जाते हैं, और अगर फ्लोटिंग पॉइंट में करें तो शायद और ज़्यादा आ जाए। तो एक बाइट काफ़ी था मेरे लिए, लेकिन जावास्क्रिप्ट में इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, सी लैंग्वेज में ये ऑप्शन मौजूद है। तो अभी भी अगर कोई प्रोग्राम बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, उसमें लाखों की तादाद में अगर वेरिएबल बन रहे होते हैं, तो मेमोरी एफिशिएंसी वगैरह को देखते हुए अभी भी जो मतलब जो भी लैंग्वेजेस मौजूद हैं उनमें ये कस्टमाइजेशन होती है, मेमोरी एफिशिएंसी वगैरह के बहुत सारे फीचर्स होते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर अनफॉर्चुनेटली ये अभी नहीं है। क्यों, इसका भी रीज़न समझ लो कि ये क्यों नहीं है ऐसा। जावास्क्रिप्ट जब शुरू शुरू में आई थी तो वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हुआ करती थी। हमने शायद हिस्ट्री ऑफ जब जावास्क्रिप्ट की पहली क्लास में शायद ये बात हमने की होगी कि वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हुआ करती थी। उस वक्त किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का दर्जा इसको हासिल हो जाएगा, या ये एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन जाएगी। ठीक है, जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें क्या डिफरेंस होता है, किसी को आइडिया है कुछ? जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है ना, वो जनरल पर्पस नहीं होती है और वो बहुत लिमिटेड होती है। मिसाल के तौर पर जैसे आपका जो एक्सेल है, MS माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है, उसके अंदर वो आप फार्मूला वगैरह लगाते हैं टॉप पे, तो वो काइंड ऑफ एक लैंग्वेज ही है, बट दैट इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। उसके अंदर ऐड, सम और इफ के उसमें लग जाते हैं फार्मूले, तो वो एक तरह की स्क्रिप्टिंग है। तो वो स्पेसिफिकली गूगल शीट पे ही लगेगी या MS एक्सेल पे ही लगेगी वो उससे कोई मैं टू डू ऐप तो नहीं बना सकता है ना, या उससे मैं कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना सकता डेडिकेटेडली, वो उसके अंदर ही चलती है। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मोर और लेस क्या होती है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती है और लिमिटेड होती है काफ़ी। तो जावास्क्रिप्ट जो होती है वो क्या था कि भाई जब शुरू शुरू में वेब पेजेस बनना शुरू हुए कि जी अच्छा वेब पेजेस में कोई बटन जब क्लिक होगा तो क्या होना चाहिए, तो एनिमेशन वगैरह टाइप की चीज़ों के लिए शुरू में बनाई गई थी। उस वक्त एक और भी इसका कॉम्पिटिटर था फ्लैश, वो गालिबन एडोबी वालों का ही प्रोडक्ट था, तो वो भी इसका कॉम्पिटिटर था। जो वेब ब्राउज़र के अंदर पूरे पूरे गेम बनते थे वो फ्लैश में बनते थे, जावास्क्रिप्ट को लोग पसंद नहीं करते थे। तो अच्छा, वो उसको पसंद इसलिए करते थे, वो कहीं और जगहों पे भी चल जाता था। फ्लैश पे बना हुआ जो गेम है वो ब्राउज़र के अलावा भी चीज़ों पे चल जाता था, एक फ्लैश प्लेयर है उस पर डायरेक्ट भी चल जाता था। तो फ्लैश के बारे में लोगों का ये ख्याल था कि फ्लैश जो है वो बहुत पॉपुलर थी उस वक्त, तो लोगों का ख्याल था कि फ्लैश ही अब होगी और जावास्क्रिप्ट कुछ अरसे में ख़त्म हो जाएगी। तो लेकिन उसका अपोजिट हो गया कि फ्लैश जो है वो ख़त्म हो गई और जावास्क्रिप्ट ऊपर आ गई। ठीक है, फ्लैश के अंदर कुछ अपने ड्रॉबैक्स थे कि जी उसको इंस्टॉल करना पड़ता था और उसको उसने किसी को पार्टनर नहीं बनाया था, जैसे गूगल क्रोम थे ना, इन पर उसका प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता था और वो फिर बार बार वो करप्ट वरप्ट भी होता था, अजीब किस्म के उसमें मसले थे। फिर दूसरा ये वो रैम वैम काफ़ी कंज्यूम करता था, काफ़ी रिसोर्स एक्सटेंसिव हुआ करता था, तो फिर वो लोड होता था पूरा, वो उसकी फाइल काफ़ी हैवी होती थी जो फ्लैश की, तो वो जब क्लिक करते थे अब तो वो अच्छा खासा टाइम तक घूमता था, उसके बाद वो प्ले होता था जो भी सारा मामला था उसमें। जावास्क्रिप्ट ऑन अदर हैंड काफ़ी लाइट वेट थी, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तर्ज पे ही वेरिएबल तो बनते थे उस वक्त भी इसमें, तो वेरिएबल बनना और ये सारी चीज़ें थी ना, ये काफ़ी हद तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सिमिलर थी। तो प्रोग्रामर्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़्यादा समझ आती है, तो शायद इन बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से जावास्क्रिप्ट अल्टीमेटली पॉपुलर हो गई और अब जावास्क्रिप्ट को जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का दर्जा हासिल है। ठीक है, अच्छा, ये जाहिर है इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई हैं बाद में, उस वक्त नहीं थी इसमें। ठीक है, वो अब आप देखेंगे अगर हिस्ट्री के कब इसमें क्या ऐड किया गया, मतलब ये एरे वगैरह के जो मेथड है, ये बहुत सारी चीज़ें ये मोस्ट प्रॉब्ली बाद में ऐड की गई हैं, ये उस वक्त नहीं थी इसके अंदर। तो अब जैसे क्लास का कीवर्ड है वो रिसेंटली ऐड हुआ है जावास्क्रिप्ट, मतलब 2-4 साल पहले, तो क्लास का कीवर्ड पे नहीं था इसके अंदर।
जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सपोर्ट करती है, एक मैंडेटरी चीज़ समझा जाता है। तो अभी भी जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें सेगमेंट हो गई। अभी भी इसके अंदर जैसे कि एरे इट्सेल्फ वो ऑब्जेक्ट होता है इंटरनली, तो मे बी ES7 में या ES8 में जाके ये अनाउंस कर दें कि अच्छा जी अब जो एरे बना करेगा जावास्क्रिप्ट में वो एक नेटिव एरे होगा, ठीक है, नेटिव एरे हो सकता है, ये अनाउंस कर दें। तो अच्छा, फिर एरे की और भी कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि जी एरे ना वो होता है एक तरह की वैल्यू आती है जावास्क्रिप्ट में, तो आप कोई भी लिख देते हैं ना इंडेक्स पर, तो ये तो नेटिव एरे में ये हो नहीं सकता। नेटिव एरे में एक तरह की वैल्यूज़ होती हैं, तो वो जब नेटिव एरे आएगा तो उसमें एक तरह की वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। तो होपफुली ये चीज़ें ऐड होंगी जावास्क्रिप्ट में इन फ्यूचर। अभी इसके अंदर लेकिन ये वाला प्रॉब्लम है कि जी ये एरे जो बनाते हैं वो इंटरनली ऑब्जेक्ट होते हैं। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में नहीं, देखो एक एक जो लैंग्वेज होती है ना उसको उसका जो दर्जा होता है, अगर उसको जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का दर्जा हासिल है तो नीचे की सारी कैटेगरी में तो रहेगी ना वो, ये वाला चक्कर है शायद। अच्छा जी, तो ये हमने ये दो चार मेथड्स देख लिए हैं एरे के। एक दो मेथड आपको मैं ज़िक्र कर देता हूँ, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे कि एरे डॉट फिल्टर, ये आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ये काफ़ी पॉपुलर है, ये यूज़ होता है। अच्छा, एरे डॉट फाइंड एक है, ये भी काफ़ी यूज़ हो रहा होता है। अच्छा, फॉर ईच का इस्तेमाल है, फॉर ईच जो है ना समथिंग सिमिलर टू मैप, जैसे हम मैप के ज़रिए लूप चलाते हैं ना, तो फॉर ईच भी लूप चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। बट फॉर ईच जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है मैप से, वो आप जब इसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको मेथड्स मेंशन कर रहा हूँ, पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि आप अगर देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं। अच्छा जी, और हमारे पास ये मैप तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी। रिड्यूस एक है, रिड्यूस कुछ जगहों पे काफ़ी काम आता है, ठीक है, रेयरली ही इस्तेमाल होता है वैसे ये भी, लेकिन कुछ जगहों पे ये बड़े काम आ जाता है, काफ़ी इससे हेल्प मिल जाती है, ठीक है। एरे डॉट रिवर्स, रिवर्स क्या करता है, एरे के एलिमेंट्स को पलट देता है, जो शुरू वाला एलिमेंट है वो आखिर में चला जाता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, इसको भी चाहें तो देख लीजिएगा। अच्छा जी, एरे डॉट सॉर्ट, सॉर्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी लैंग्वेज में, जब एरे की हम बात करते हैं ना, सॉर्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और सॉर्टिंग की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। तो ये एरे डॉट सॉर्ट कैसे काम करता है वो देख लीजिएगा ज़रा, ठीक है जी। एरे डॉट टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग क्या करता है, पूरे के पूरे एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो ये भी सम टाइम कुछ लॉजिक्स को बनाने में ना इसकी ज़रूरत पड़ जाती है कि जी अगर एक एरे है, अब उसके अंदर कुछ दरमियान में कुछ करना है ऐसा जो शायद स्प्लाइस से भी नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो वो फिर उसको मैं एरे में कन्वर्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँगा और फिर चेक करूँगा। मिसाल के तौर पर मुझे ये चेक करना है कि इस एरे के अंदर कोई नॉन UTF-8 कैरेक्टर तो नहीं है, ठीक है, तो ये बेहतर ये होगा कि मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँ और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके मैं इसको चेक करूँ, ठीक है। या मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि इसमें कोई ख़ास किस्म का कोई ऐसा स्पेशल कैरेक्टर तो इसमें नहीं आ रहा जो मुझे नहीं चाहिए, तो उसमें क्या होगा कि बजाय इसके कि मैं लूप चला के एक एक इंडेक्स पे उसके जाऊँ और एक एक इंडेक्स पे जाके सेम लॉजिक में बार बार चलाऊँ, बेहतर ये कि मैं पूरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँगा और उस पर वो पैटर्न लगा के चेक कर लूँगा। अगर वो पैटर्न पूरे स्ट्रिंग पे कहीं नहीं आ रहा तो इसका मतलब है वो एरे ओके है, तो मैं उस स्ट्रिंग को डिस्ट्रॉय करूँगा और ओरिजिनल एरे के साथ कैरी ऑन करूँगा। तो कुछ जगहों पर लॉजिक में ना इसकी टू स्ट्रिंग की ज़रूरत पड़ जाती है और उसका फिर कोई रिप्लेसमेंट और नहीं होता, वो इजी से ही होता है ना। अच्छा, तो यहाँ पे हम एरे के मेथड वाली जो बात है ना उसको हम यहाँ पे कंक्लूड कर लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं ये डेट टाइम, पढ़ देते हैं हम जरा।